भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मैं नंदलाल वर्मा, बल बचाओ किसान संघर्ष समिति। आज समिति की बैठक यहाँ कंसा ग्राउंड में हुई और उसमें विस्तार से चर्चा की गई। 2018 से संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है कि ये जो प्रस्तावित हवाई अड्डा है इसको ऐसी जगह बनाया जाए जहां बंजर भूमि हो और वहां से कोई भी किसान ना उजड़े। इसके लिए हिमाचल सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कई बार अनुरोध किया और उनको एसडीएम के माध्यम से, डीसी के माध्यम से हमने अपना विरोध भी जताया और उनसे मिलने की इच्छा भी जताई कि हमें समय दिया जाए, लेकिन उन्होंने ना तो हमें मिलने का समय दिया और ना ही इस एयरपोर्ट के ऊपर बनाना या ना बनाना इसके ऊपर खुल के बोल रहे हैं। हमारे पूर्व में मंत्री रहे, विधायक रहे, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के, वो भी बोल रहे हैं कि इस प्रस्तावित हवाई अड्डे को नंदगढ़ में, ढांगसी धार में, घोगड़ा धार में, नंदपुर में तथा जाहू में बनाया जाए। बल्कि जमीन बहुत उपजाऊ है, बहुफसलिया इलाका है, यहाँ का नौजवान पढ़ा लिखा है, सरकार के पास रोजगार नहीं है और वो नकदी फसलें उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। मुख्यमंत्री अपनी जो हठधर्मिता है उससे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम बार बार उनसे आग्रह करते हैं कि इस एयरपोर्ट को आप कहीं दूसरी जगह बनाएं और हम भी इसके समर्थन में हैं कि एयरपोर्ट बनना चाहिए। अगर उनका सपना है तो सपना पूरा हो, उसके लिए हम भी उनका सहयोग करेंगे, लेकिन बल में एयरपोर्ट ना बने इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारी आज जो बैठक हुई उसमें एक निर्णय लिया गया कि 19 फरवरी को 11 बजे एक किसान सभा बल बचाओ किसान संघर्ष समिति एक कन्वेंशन करेगी जिसमें बल के किसान शामिल होंगे और बल के किसानों को अगर एयरपोर्ट बनता है तो क्या समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं से निदान कैसे पाया जाएगा और सरकार को कैसे रोका जाए या सरकार को कैसे समझाया जाए, उसके ऊपर खुलकर चर्चा की जाएगी। मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से अनुरोध करता हूं कि अपना जो सपना है आप पूरा करें, लेकिन बल में ना पूरा करके किसी दूसरी जगह करें, उसके लिए हम भी सहयोग करेंगे। ये मेरा उनसे सादर अनुरोध है। ठीक है।